जीता, हैट्स आया, बैटिंग हम करेंगे। रजाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बोलर देखा है कौन है? मुश्ताक, आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल। वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकते क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे हैं, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर खैर रन के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ज्यादा। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूँ। Batsman is on 99. Papaji hits the ball high up in the air. Century kitne pass aur out. Hai Allah. Aaj ke match mein Allah interest nahi le rahe, main le raha hu. Century hoke rahegi Papaji ki. Ball seedha fielder ke haath mein ja rahi hai. Lagi shart. Kaisi shart? Wahan uske 100 hue, yahan 100 minute tum mere saath mere pass mein guzarogi. Kya? Tumhara dimag kharab ho gaya hai. मैं शादीशुदा हूँ। आउच, आउच। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो। नो बॉल। नो बॉल? नो। ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था। उसे सीरियसली मत लो। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाऊँ। मुझे आशा कहीं जाना। मैं जानता हूँ आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। समीर। हाय भाई। आपकी बीवी कमाल की है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? Exactly. चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। See you. अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। यह नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है। हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहां जलाने के लिए बुलाया है क्या? यह बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है। साफ जाहिर है, एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग। लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है
वो है सिर्फ शोहेब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे तेरा मेरा करता है, सब कुछ मेरा है। पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी। जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता? किया क्यों नहीं? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। तुम्हें यह खुद नहीं आना चाहिए था। पूरी बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वेलकम सर। जब तक मैं बंबई में हूं तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है भाई? वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। मरने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है, दिए गाने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त।
और बचा भी लिया। मैं एक दिन में दो गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है।